की वीडियो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के कथैया थाने के ठिखा बाजार में आपसी विवाद को लेकर अमित कुमार नाम के युवक को गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपित विशाल कुमार दो कट्टा व एक खोगा के साथ थाना पहुंचा और पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस के सामने हत्या के बाद स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम अमित कुमार ठिखा बाजार पर एक दोस्त के साथ नाश्ता करने आया था। इसी बीच शाम में गांव का ही विशाल कुमार होटल पर पहुंच गया। देखते ही देखते उसने पीछे से अमित की गर्दन पर गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोग जब तक जुटते आरोपित उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति को रोक कर उसके बाइक पर बैठ गया और थाने पहुंचकर दो कट्टा व एक खोखा के साथ सरेंडर कर दिया। वही घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मृतक अमित की बहन की 3 दिसंबर को शादी होनी है। इसको लेकर घर पर खुशियों का माहौल था। कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे। वही शाम में अमित की हत्या के बाद घर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही सौजन में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 3 दिन पूर्व विशाल ने उसके छोटे पुत्र को धमकी दी थी, तब वे पूछताछ के लिए उसके घर गए यहां गए थे। इसके बाद विशाल कट्टा लहराते हुए दरवाजे पर चढ़ाया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इस संबंध में उन्होंने 29 नवंबर को थाने में इसकी शिकायत की थी। कट्टा लहराते उसका वीडियो भी पुलिस को सौंपा था, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पुलिस ने जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा। सौजन का कहना था कि कथैया पुलिस अगर शिकायत पर कार्रवाई करती तो शायद अमित की हत्या नहीं होती। प्रिय दोस्त हम ही हैं, सबसे नजदीक रहने वाला, ठीक है। उसके बाद वहाँ पटना के रहने वाले हैं। वहाँ पटना से मैं 15 दिन पहले यहाँ आया था खाली स्पेशल शादी के लेकर, कि कोई कमी ना हो, बराती हो, कहीं मतलब कोई दिक्कत ना हो, कि मतलब कोई बेइज्जती वाली बात नहीं हो। लेकिन यहाँ सुनने के बाद आया पता कि ऐसा ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम, ऐसा घटना है कि जो कि घर के बगल के लेकर मतलब कट्टा लेकर, देसी कट्टा लेकर, ये आज से यानी कल कट्टा लेके आया, 2 फायरिंग भी किया था वहाँ, ठीक है। उसके बाद मुखिया को, सरपंच को और ये थाने को सब कुछ जानकारी दिया गया। हमारे पास वीडियो भी है, मुखिया सरपंच थाने को भी ये वीडियो मिला था, जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग था, कट्टा चलाया था, जो कट्टा लिया था, 2 कट्टा था, 1 फसला था, ठीक है, 1 कट्टा हाथ में लिया था, 1 कमर में फंसा था। कौन था वो? यही लड़के जो गोली मारा, ये क्या नाम था, विकास, उसका नाम है विशाल। जहाँ घटना हुआ है वहाँ पर आप साथ में? हाँ, साथ में थे हम दोनों। वहाँ पर कैसे क्या हुआ? जैसे हम लोग कुर्सी बता कर ऐसे बैठे थे दो लोग, ठीक है, नाश्ता ऑर्डर देके हम लोग बैठे। हाँ, हम लोग बैठे कुर्सी लगा कर अपोजिट साइड, पीछे से आया, इसमें गता बिहार, जैसे हम देख लिए, हाथ पकड़े कट्टा को, लेकिन दूसरा कट्टा निकाल के ठोक दिया, ठीक है। फिर हम देखे गोली मारा, लेकिन कोई सटा नहीं, वहाँ पे कोई सटा नहीं, यहाँ पे जिनका गांव वाला था कोई सटा नहीं। फिर वो कुछ दूर गया, तब यहाँ पे हम चिल्लाते रह गए 10 मिनट तक, लेकिन कोई हमारा हेल्प करने नहीं आया। कितना हथियार था? क्या, एक मिनट, कितना हथियार था उसके? 2 हथियार था, दोनों देसी कट्टा था।